हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर, जिसमें आज मैं बात करूँगी कि यूपीएससी की तैयारी जब हम करते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने के बाद अगर आप चाहते हैं आईएएस रैंक के ऑफिसर बनना तो उसके लिए आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, ओबीसी कैटेगरी से या ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी कैटेगरी से हैं तब आपकी रैंक कितनी होनी चाहिए, तो आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, कई बार हम यूपीएससी की तैयारी तो करते हैं और बार बार ये भी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमें आईएएस ऑफिसर बनना है। तो जब हमें आईएएस ऑफिसर बनना होता है तो हमें उसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब मेहनत हमें स्टैटिक फैक्ट्स पता है, हमें सारी नॉलेज है, तो हमारी मेहनत भी उसी अकॉर्डिंगली वर्क करती है। तो इसीलिए बच्चे ज़रूरी है कि आपको बाकी चीज़ें भी इसके बारे में पता होनी चाहिए, जैसे कि यूपीएससी को जब आप पढ़ते हैं तो आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको किस तरीके से चीज़ें करनी है। आज पर मैं आपके एक अहम सवाल पे क्वेश्चन करूंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि मैम रैंक का क्या सिस्टम है यूपीएससी के अंदर, वो प्लीज़ आप डिफाइन कर दीजिए। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, यूपीएससी का जो पेपर होता है वो तीन प्रोसेस में होता है। एक प्रीलिम्स के प्रोसेस में, सेकेंड आपका मेंस होता है और तीसरे नंबर पर इंटरव्यू प्रोसेस होता है। तो आपको आपको अगर पता हो तो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता है उसके मार्क्स आपके फाइनल जो लिस्ट आती है उसमें नहीं लगते हैं। उसी के साथ साथ आज जब हम बात कर रहे हैं किसकी रैंक की, और रैंक भी किसके लिए, आईएएस के लिए, कि आईएएस के लिए क्या रैंक होनी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं फिक्स किया गया है या कोई एक निर्धारित रैंक नहीं रखी गई है कि आपको 90 रैंक होनी चाहिए या 90 के मतलब आपको क्या होनी चाहिए, अंडर 90 होनी चाहिए या अंडर 50 होनी चाहिए जब भी आप आईएएस बनेंगे। ऐसी कोई रैंक का निर्धारित नहीं किया गया, इसके लिए कई सारे फैक्टर्स जिम्मेदार हैं कि रैंक कितनी होगी। तो कहीं ना कहीं आपको पता मतलब ये इंपॉर्टेंट होता है कि कुल कितने पदों निकले हैं, कितने पदों की संख्या है, कितने पद निकाले गए हैं, कितने जो कैंडिडेट्स ने वो प्राथमिकता दी है आईएएस ऑफिस मतलब एज आईएएस ऑफिसर के लिए, ठीक है। तो कितने कैंडिडेट ऑलरेडी मतलब हैं, ठीक है, कितने कैंडिडेट्स हैं, कितने कैंडिडेट्स ने प्रेफरेंस दी है, ठीक है, कि प्रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स कितने हैं जिन्होंने आईएएस को प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि कुछ बच्चे मार्क्स ज़्यादा भी आते हैं पर प्रेफरेंस आईपीएस को देते हैं, तो प्रेफरेंस कितने स्टूडेंट ने दिए, कितने उम्मीदवार हैं, ठीक है, कितने उम्मीदवार पार्टिसिपेंट्स हैं। तो ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि आईएएस की जो रैंक बनती है, इन सभी चीज़ों के मतलब इन सभी फैक्टर्स को देखा जाता है कि कट ऑफ कितनी गई है, कितने स्टूडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आपको मैं बता दूं कि अगर हम मोटा मोटा तौर पे देखें तो कहीं ना कहीं अभी पिछले एक्सपीरियंस से मैं आपसे बात करूँगी, प्रीवियस एग्ज़ाम्स के एक्सपीरियंस से, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट आपकी 90 के अंडर रैंक होनी चाहिए आईएएस ऑफिसर बनने के लिए, ठीक है, एटलीस्ट 19। यहाँ पर मैं एक वर्ड यूज़ कर रही हूँ, दैट इज एटलीस्ट 90 के अंदर होनी चाहिए, तब आप एक सेफ मतलब सेफ साइड में जा पाएंगे कि भाई कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। उसके बाद अगर बच्चे मैं ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी की बात करती हूँ, किसकी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी के लिए मैं बात करती हूँ, तो एटलीस्ट आपको 300 के अंडर आप आने चाहिए। इसी के साथ साथ अगर मैं एससी और एसटी के बारे में बात करती हूँ तो एटलीस्ट आप 450 के अंडर आपकी रैंक मतलब होनी चाहिए एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए। तो बच्चे देखिए, टारगेट को हम अगर इस तरीके से ले करके चलते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक मतलब सफलता हासिल कर पाते हैं। आपको पता है कि 2021 में जो ये रैंक रही थी, ठीक है, रैंक 2021 की अगर रही थी, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं कि जनरल कैटेगरी के लिए रैंक का जो क्राइटेरिया रहा था वो सिर्फ 77 था, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 77 मतलब जनरल कैटेगरी जो लोग अंडर 77 में थे उन लोगों को आईएएस का रैंक दिया गया था। 320 जो कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, 320 ये ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए था, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से जो बच्चे रिलेट करते थे उनके लिए जो क्राइटेरिया था वो कितना था, 338 का क्राइटेरिया ओबीसी के लिए रखा गया था। 502, ठीक है, 502 और 547 ये एससी के बच्चे के लिए था और ये एसटी के लिए क्राइटेरिया रखा गया था। इन बच्चों को ही रैंक में शामिल किया गया था, आईएएस की रैंक में शामिल किया गया था 2021 के डाटा के अकॉर्डिंगली। मैं फिर से बोलूँगी, ऐसी कोई निर्धारित रैंक नहीं है कि इतना आपका आएगा जब भी आप आईएएस बनेंगे, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स के ऊपर कि जैसे कि कितने उम्मीदवार हैं, कितनी मतलब ऑलरेडी रैंक ली गई है या फिर किसने प्राथमिकता कितनी दी गई है, ये इस चीज़ पर भी निर्भर करता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं
होते हैं जिनकी प्राथमिकता, भले ही उनके मार्क्स ज़्यादा भी होते हैं पर उनकी प्राथमिकता आईपीएस बनने की होती है, वो सपना आईपीएस का लेके बैठे हुए हैं, तो इस तरह के भी केसेस होते हैं। सो वेल आई होप गाइस कि आपको ये बात समझ आई होगी, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे साथ अपनी आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं प्रहार बैच, ठीक है। तो प्रहार बैच हमारा लॉन्च हो गया है कि अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन में हमारा प्रहार बैच आरंभ हो गया है। आप प्रहार बैच के साथ जा सकते हैं जिसमें कि मैं इंडियन पॉलिटी से इस बैच को स्टार्ट कर रही हूँ। इसमें यूपीएससी के सभी कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, प्री और मेन्स को कम्बाइन करके इस बैच में पढ़ाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। इसकी फीस बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। देश का सबसे सस्ता बैच है ये, 6,999 रुपये में आपको ये बैच मिल जाता है जिसमें प्री और मेंस दोनों को कंबाइन करके पढ़ाया जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। उसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस बैच के अंदर अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल करें 8826998528। अगर आप इस नंबर पे कॉल करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो पाएंगे जो कि प्रहार की टीम है, और प्रहार एक ऑनलाइन बैच है जिसमें प्री और मेंस का कंबाइन यूपीएससी की तैयारी की जाती है। तो बाकी के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं कि कितने टाइम पीरियड का है, कब तक वैलिड रहेगा, ये सब आप लोग इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ बच्चे आप नीचे गूगल फॉर्म भी आपको, मतलब एक फॉर्म भी आपको लगा हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस फॉर्म को फिल करेंगे तो भी आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा। हमारी कंटिन्यू मेहनत रहती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोज़ ला पाएँ जिससे कि आपको थोड़ी हेल्प मिले आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।